हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। आज क्विकली चेक कर लेते हैं कि आप और आपके पर्सन दोनों के साथ क्या क्या होने जा रहा है, क्या अभी चल रहा है और क्या कुछ अनएक्सपेक्टेडली दोनों की लाइफ में आने वाला है। सो थिंक ऑफ योर पर्सन, गहरी सांस लें, उनके बारे में थोड़ा सोचें और हाँ, आपकी सिचुएशन आपसे मिले तो आपको इस पर ट्रस्ट करना है, एज अ गाइडेंस इस रीडिंग को लेना है। All right, let's begin. दोनों की लाइफ में कुछ ना कुछ तो चांसेस आने वाले हैं, कुछ मिरेक्युलस चांसेस आने वाले हैं, कुछ हैप्पीनेस आने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट विद यू। पहले देख लेते हैं दोनों की प्रेजेंट सिचुएशन एंड पर्सनैलिटी। भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी तरफ तो जस्टिस आता हुआ दिखाई दे रहा है विद फुल स्विंग, बहुत स्पीड के साथ जस्टिस आपकी तरफ आ रहा है। लेट्स सी इनका क्या हाल है। ओह माय गॉड, इन्होंने कुछ गलत किया है आपके साथ, कुछ अनक्लैरिटी रखी है, कुछ छुपाया है, तो अब प्रे कर रहे हैं ऊपर वाले से कि सब कुछ ठीक हो जाए, समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी आपके साथ इमीडिएटली क्या होने वाला है। फुल स्विंग से ये आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी तरफ जस्टिस, और आप अपनी किंग वाली एनर्जी में आने वाले हैं। फाइनेंशियली आपको कुछ अबेंडेंस मिलने वाली है जल्दी ही। तो देखिए, जर्नी कार्ड यहाँ पर भी है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर भी है, बहुत फास्ट एक्शन का कार्ड है। तो आपके साथ जस्टिस और कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ फुल स्पीड से आती हुई दिख रही है। लेट्स सी आपके पर्सन का क्या चल रहा है। वाओ, इनका भी एक हैप्पी फैमिली सेटल्ड लाइफ जल्दी ही कार्मिक सिचुएशन से फ्री होने के बाद सेटल होता हुआ दिख रहा है। भले ये आपके साथ है या कहीं और है, बट जिस तरह से आप इनके लिए रीडिंग देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, आपके साथ ही इन्होंने कुछ गलत किया है, आप ही के लिए प्रे कर रहे हैं। तो एक कार्मिक सिचुएशन से बाहर आकर आपकी तरफ आते हुए लग रहे हैं। हो सकता है ये कहीं और ही सेटल्ड हैं अपनी लाइफ में, और अगर ऐसा नहीं है, आप जानते हैं, तो फिर ये आपकी ओर आते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं अनएक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है आपकी लाइफ में और आपके पर्सन की लाइफ में। क्वीन ऑफ वेंट्स, ओह माय गॉड, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आपकी लाइफ में तो एज आई टोल्ड यू कि कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वेंट्स, आप अपनी पावर में आने वाले हैं बहुत जल्दी। ये अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए, आपने नहीं सोचा था कि आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिसमें आप डोमिनेटिंग एक अथॉरिटी हो सकते हैं, या आपको कुछ ऐसा मिल सकता है जिसमें आपका होना बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है दूसरों के लिए। आपको कोई बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। वहीं देखिए आपके पर्सन की तरफ से टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, इनके साथ कुछ बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेडली ऐसा हो सकता है जिसका इन्हें आइडिया नहीं है, तो इन्हें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि कर्मा के ऊपर क्या रीडिंग है, तो अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो यूनिवर्स अपने आप देखते हैं। हम कर्मा की डिमांड करते हैं तो बल्कि डिले और हो जाता है, और जब हम किसी को फ्री छोड़ देते हैं तो उन्हें उनके किए का फल मिलता ही मिलता है। तो कुछ इस तरह से आपके पर्सन का हाल है। देखिए, इन्होंने आपको कहीं ना कहीं अनक्लियर छोड़ा था, कभी आपका साथ नहीं दिया था। आज ये जहाँ भी हैं उनके साथ ऐसा कुछ होने ही जा रहा है जिसका उन्हें आइडिया नहीं है। मैजिकली आपकी तरफ कुछ चीज़ें आ रही हैं, और वहीं आपके पर्सन की तरफ भी मैजिकली
आप ही जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये फेस इस तरफ है फिलहाल, और यहाँ से भी देखते हैं तो ये भी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। समय आपको एक साथ बढ़ाएगा। कार्मिक सिचुएशंस हैं, जब ये पेनफुल सिचुएशन इस पर्सन को होगी तभी ये आपकी वर्थ को फील करेंगे और तभी आपकी तरफ बढ़ेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो कुछ एनर्जीज़ आपके पर्सन की तरफ से, सिर्फ यही एक ऐसी आई है जो थोड़ा पेनफुल है, अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ अच्छा है। किस एनर्जी से अभी और कुछ दिन आप लोग घिरे रहेंगे? मैजिशियन एंड द मिरर। मैजिशियन आपके लिए यहाँ भी आया था। तो आपकी लाइफ में आपने बहुत कुछ एक्चुअली सरेंडर किया है, तो उसका रिजल्ट अब आपको मिलेगा, रिवर्ट मिलेगा यूनिवर्स की ओर से। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। आपके पर्सन भी आपको इमोशनली अब वैल्यू करने लग रहे हैं। कॉर्नोकोपिया अबेंडेंस का कार्ड है, आपको जल्दी ही अबेंडेंस मिलने वाली है। यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स है, यहाँ क्वीन ऑफ वेंट्स है, जो कि दिखा रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है जो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पीरियस पर्सन बनाने वाली है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कॉइंस भी हैं यहाँ पर। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, ये दोनों इंपॉर्टेंट साइन है। वैसे यहाँ वर्ल्ड कार्ड आ गया है तो इट कवर्स एवरी साइन। सिचुएशंस आपकी हैं तो ऐसा होने वाला है। आपके पर्सन आपसे कॉन्ट्रैक्ट फील करते हैं तो जल्दी ही वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। लेट्स सी, एंजल्स कुछ गाइडेंस देना चाहें आपको। तो एंजल्स कह रहे हैं फॉरगिवनेस, माफ़ कर दीजिए जिसने मिस्टेक की है उसे। बिग हैप्पी चांसेस आएंगे। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगा। लेट्स क्लैरिफाई समथिंग, कुछ क्लैरिफाई कर लेते हैं आज कि आपके पर्सन के साथ हु इज़ डूइंग दिस थिंग, ये कौन कर रहा है, क्या ऐसा होने वाला है। ये बैक स्टेप उनको कहाँ से मिलने वाला है, क्यों मिलने वाला है। क्वीन ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी से ही मिलने वाला है, थर्ड पार्टी से ही मिलने वाला है बैक स्टेप, और तभी जाकर इनकी लाइफ में सन आ पाएगा। कार्मिक सिचुएशन थी, इसका होना बहुत ज़रूरी था। थर्ड पार्टी से ही इन्हें ये मिलने वाला है, तभी इनकी लाइफ में सनलाइट आएगी, तभी ये चीज़ों को मॉरली कंसल्ट कर पाएंगे। अभी तक ये बेनिफिट पर्पज़ से कंसल्ट कर रहे थे, अपने ईगो में थे, अब जाकर के ये मॉरली चीज़ों को सोच पाएंगे। सो यू कैन प्रे फॉर योर पर्सन कि उनके साथ सब कुछ ठीक हो, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, फुल स्विंग से आपकी तरफ जस्टिस आ रहा है, आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप अपनी पावर में आने वाले हैं। वहीं आपके पर्सन थर्ड पार्टी में कुछ धोखा फिलहाल खाने वाले हैं, लेकिन उसी के बाद इनकी लाइफ में सनलाइट आएगी, तभी ये आपसे लिखाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट महसूस कर पाएंगे। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, तभी आपके लिए वैल्यू कर पाएंगे और तभी आपकी ओर बढ़ेंगे। सो टेक इट एज अ गाइडेंस ओनली इफ़ द सिचुएशंस मैच टू यू। थैंक यू सो मच।